हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ नम्रता और आज तरला दलाल के किचन में बनने वाला है पास्ता। पर ये पास्ता रेड सॉस और व्हाइट सॉस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। रेड सॉस का परफेक्ट टैंगीनेस और व्हाइट सॉस का क्रीमीनेस ये रेसिपी को बहुत ही डिलीशियस बनाता है। तो चलिए देखते हैं ये पिंक सॉस पास्ता कैसे बनता है। पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को पका लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो दूसरा कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक और नमक डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी पास्ता। यहाँ पे मैंने पेने पास्ता का यूज किया है। आप चाहो तो दूसरा कोई भी शेप का पास्ता यूज कर सकते हैं। पास्ता को हम 10 से 12 मिनट तक 80% कुक होने तक पकाएंगे, क्योंकि इसे हम आगे सॉस में भी पकाएंगे तो ये मशी बन जाएगा। अब मैं पास्ता को उठा के कट करके देखती हूँ कि ये 80% कुक हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो पास्ता एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ। पास्ता पकाने के टाइम हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था, इसीलिए अब ये ठंडा होने के बाद स्टिकी नहीं बनेगा। अब ये जो पास्ता का पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है। पास्ता बनने के बाद उसका सॉस जब ड्राई हो जाता है तब ये पास्ता का बचा हुआ पानी डाल के पास्ता को रीहीट कर सकते हैं। पास्ता कुक होके रेडी है, तो चलिए अब हम व्हाइट सॉस बना लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में बटर गरम कर लेंगे। बटर गरम हो जाने के बाद इसमें डालेंगे मैदा। मैदा को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए हल्के से रोस्ट करेंगे। मैदा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी दूध, और दूध डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। आप देख सकते हो दूध स्लाइटली गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीज। अब ये सॉस को कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है जब तक कि ये चीज मेल्ट ना हो जाए। चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और सॉस को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए डालूंगी ओरिगैनो, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और नटमेग पाउडर। इन सारे हर्ब्स और स्पाइसेस को व्हाइट सॉस के साथ अच्छी तरह से मिला के 1 मिनट तक पका लेंगे और हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और रेड सॉस बनाना शुरू करते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए पैन में ऑलिव ऑयल गरम कर लेंगे, साथ ही बटर डालेंगे। ऑयल और बटर गरम हो जाने के बाद गार्लिक डालेंगे। गार्लिक डालने के बाद 1 मिनट के लिए उसे हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, प्याज का क्रंच मेंटेन होना चाहिए। इसे हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अनियन सौते हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड बेजिल और कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे सॉस को बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो का पल्प और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टमाटर खट्टे हैं, तो आप इसमें 1 टीस्पून शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने से सभी फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे। टमाटो पल्प अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो केचप, मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और नमक। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो ये रेड सॉस बन के रेडी है। अब इसमें हमने बनाया हुआ व्हाइट सॉस डाल के मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस और रेड सॉस को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपका सॉस ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप पास्ता का बचा हुआ पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। सॉस में अच्छा बबलिंग आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता डालने के बाद सॉस और पास्ता को अच्छी तरह से मिला लेना है। ध्यान रखें कि सॉस पास्ता को अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज। चीज डालने से पिंक सॉस पास्ता बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल बन जाता है। ये पिंक सॉस पास्ता बनकर तैयार है। मैं इसे पार्मेजान चीज और बेजल गार्निश करके सर्व करूंगी। पिंक सॉस पास्ता बहुत ही डिलीशियस बना है। ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये तीनों भी चीजों को करना ना भूले। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग।